हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। आज मैं आप लोगों के साथ में हेमेलिया के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, ये बुशी सा प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था पिछले साल जुलाई अगस्त में। मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी और इस साल देखिए ये कितना बड़ा पौधा हो गया है। तो काफ़ी झाड़ीनुमा पौधा बनता है ये, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और आपके गार्डन में बटरफ्लाइज़ को, हमिंग बर्ड्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है ये पौधा, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर बहुत सुंदर होता है, इसको फायर बुश भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए एक तो इसमें बंचेज में फूल आते हैं, ये तो भरा हुआ रहता है ये पौधा फूलों से, ये देखिए। और इसके जो लीव्स हैं उनका कलर भी कुछ कुछ रेड होता है, टिप्स जो होती हैं इसकी लीव्स की वो रेडिश होती हैं। तो उसकी वजह से अगर आप दूर से इस पौधे को देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम रेड दिखता है ये, तो इसको फायर बुश बोला जाता है इस पौधे को। और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है पौधा, बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत ही इसमें इजी टू केयर प्लांट है, कम मेंटेनेंस मांगता है, रफ एंड टफ प्लांट है। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है आपके यहाँ पे। लगभग पूरा साल इसमें फूल आते हैं, बस जब ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम इसमें फूल आने थोड़े बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर से मार्च में थोड़ी सी जैसे ही गर्मी होती है मौसम में फिर से इसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हरा भरा पूरे साल रहता है, इसमें जो पत्तियाँ हैं उसका ये जो कलर है पत्तियों का ये पूरा साल रहता है। तो दूर से देखेंगे तो आपको ये पौधा बहुत सुंदर लगता है, अगर इसमें फूल नहीं आए हुए हो तो भी। इसमें फूल देखिए छोटे छोटे आते हैं, बड़े फ्लावर्स नहीं आते, बंचेज में आएंगे, खिल जाता है जब फूल। तो देखिए बस ये इतना ही खिलेगा इसका फूल, ये देखिए, तो ये इसका फूल है, बस इतना सा खिलता है। लेकिन क्योंकि ये बंचेज में है, गुच्छों में है और पूरा पौधा फूलों से भरा रहता है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स की। तो बहुत ज़्यादा रिच सॉयल या बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे को, अगर आप इसको नॉर्मल सॉयल में भी लगा देंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से फूल देगा। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं, सबसे पहले आप देखिए इसकी कटिंग लगा दें, 3-4 इंच लंबी या 5-6 इंच लंबी कटिंग इसकी आप ग्रो कर दें, नोड पॉइंट से नीचे से कट कर लें और फिर आप उसको सैंड में, नॉर्मल जो बालू रेत होती है उसके अंदर लगा दें, और 1-1.5 महीने में इसमें जब रूट्स ग्रो कर जाएं तो आप चाहें तो इसको ग्राउंड में लगा दें। मैंने तो देखिए ये प्लांट्स ग्राउंड में ही लगा रखे हैं, क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ी गहरी जाती हैं, पौधा बड़ा होता है ये, तो पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े पॉट में लगाइए, ताकि घना होगा तो बहुत सुंदर लगेगा ये पौधा। तो अगर आप इसको ग्राउंड में लगा रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं होगी, आप यूं ही बस गड्ढा करके लगा दें। और पॉट में लगा रहे हैं तो जैसा आप नॉर्मली अपने पौधे लगाते हैं, पॉटिंग मिक्स जैसा आप तैयार करते हैं वैसा ही कर लीजिए, एक हिस्सा सैंड ले लीजिए, एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉयल ले लीजिए और एक हिस्सा उसमें आप खाद ले लीजिए, और उसमें फिर आप जो कटिंग आपने ग्रो की है या पौधा आप नर्सरी से लेके आए हैं उसको उसमें लगा दीजिए। लेकिन आप जब भी इसको लगाएं, आप इसको ऐसी जगह लगाएं, लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे इसको पूरी धूप मिलती रहे, जितनी अच्छी धूप इस पौधे को मिलेगी उतना ही अच्छा ये पौधा फूल देगा आपको, और उतना ही इसकी पत्तियों का कलर सुंदर आएगा। देखिए इसकी पत्तियों में जो ये रेड कलर आता है, तेज़ धूप में वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा उभर के आता है इसका पत्तियों का जो रेड कलर है। अगर आप इसको शेड में लगाएंगे तो हो सकता है ये पौधा चल जाएगा, लेकिन इसकी पत्तियों का वो जो कलर होता है रेड वाला वो नहीं आता है फिर, तो वो तभी आएगा जब आप इसको अच्छी धूप प्रोवाइड करवाएंगे। और तेज़ धूप में देखिए पौधा गर्मी में भी बहुत तेज़ धूप को भी ये सहन करता है पौधा, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी 1-2 दिन पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं इसको, तो भी ये पौधा जलता नहीं है, सर्वाइव कर जाता है। आप अपने गार्डन में इसकी हैज बना सकते हैं, इसकी हैज भी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इतना प्यारा और इतना कलरफुल ये पौधा है, तो आप हैज बना लें इसकी, बहुत सुंदर लगेगा अपने गार्डन में। आप चाहें तो छोटी छोटी कटिंग्स तैयार करके, चाहें तो इसको थोड़ा छोटे साइज़ में करना चाहते हैं तो उसकी प्रूनिंग करते रहें, और अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेता है। खाद की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आप शुरुआत में जब ये पौधा लगा रहे हैं उस टाइम आप खाद दे दीजिए, उसके बाद में आप 1-1.5 साल अगर इसको खाद नहीं देंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से फूल देगा आपको। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, हाँ सनलाइट अच्छी इसको अगर मिले तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपको फूल देगा। बाकी देखिए इसमें पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह का भी कोई ऐसा अटैक नहीं होता, मेरे किसी भी हेमेलिया के किसी भी प्लांट में आज तक किसी भी कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी फंगस वगैरह नहीं लगी इस पौधे में, तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसी डिजीज वगैरह नहीं होती हैं इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है कुल मिला के। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने पौधे को अच्छी धूप देते हैं, अच्छी हवा उसको मिलती रहती है,
और अच्छी स्पेस अगर पौधे को मिली हुई है तो फिर बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब पौधे में कोई डिजीज़ होती है या कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं। थोड़ा सा मौसम का फ़र्क पड़ता है, मानसून में आप कितना भी केयर करें कभी कभी पौधे में फंगस वगैरह लग ही जाती हैं। तो नीम ऑयल का आप स्प्रे कर दें, नीम ऑयल के स्प्रे से ऑर्गेनिक भी है और नीम ऑयल के स्प्रे से पौधों को फंगस वगैरह का काफ़ी अच्छा बचाव हो जाता है फंगस वगैरह से। तो अगर आप थोड़ा सा केयर, गर्मी के मौसम में नहीं लगती है इतनी ज़्यादा फंगस वगैरह पेस्ट वगैरह पौधे पे, अगर अच्छी धूप अच्छी हवा और अच्छी जगह मिल रही है पौधे को तो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब पौधे को कोई बीमारी घेरती है। बाकी अगर अच्छी धूप मिल रही है तो पौधा बच जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स हेमेलिया के बारे में जानकारी। तो कुछ टिप्स हैं, आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, पतली से पतली कटिंग इसके अच्छे से ग्रो हो जाती है और कटिंग ग्रो करने के बाद में जब रूट्स इसमें ग्रो हो जाएं अच्छे से तो आप उसको पॉट में या ग्राउंड में लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं है, पानी आप सर्दियों में 8-10 दिन भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, इवन गर्मियों में भी आप 1-2 दिन अगर पानी स्किप कर देते हैं तो भी ये पौधा जलता नहीं है, साल भर हरा भरा रहता है, गर्मियों में फूल देता है। सर्दियां जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है दिसंबर जनवरी के महीने में तब इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, बाकी हरा भरा ये पौधा पूरे साल रहता है और पेरेनियल प्लांट है, काफ़ी साल चलेगा आपके यहाँ पर। तो ज़रूर लगाएं अगर आपके आसपास में ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग लेके आएं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, या फिर नर्सरी में मिलता है तो नर्सरी से ले आएं और एक पौधा ला करके आप उसकी काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार करके और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं 1-2 पौधे लेकर के आई थी इसके और फिर कटिंग से मैंने काफ़ी सारे इसके प्लांट्स तैयार किए, इवन लास्ट ईयर ही मैंने इसके प्लांट्स तैयार किए थे और इस साल मेरे 4-5 पौधे ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए, 2 दूसरी साइड में हैं। इनको थोड़ी सी धूप कम मिलती है, थोड़ी छाया आ जाती है तो इनकी पत्तियों का जो कलर है वो ज़्यादा रेड नहीं है, लेकिन जो पौधे मेरे धूप में है बिल्कुल अच्छी धूप मिल रही है उनकी पत्तियों का कलर काफ़ी अच्छा रेड है। तो आप ये ध्यान रखें, थोड़ा सा इसको धूप में लगाएं। तो फ्रेंड्स ये थी आज का वीडियो हेमेलिया पर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी दी है इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नए प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर प्लांट्स।